नवनदीप राजन और अनिता कांची लाल की एक बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आ गई है। उत्तराखंड चंपावत में पवन अरू को धमाल मचाते देखा गया। पहले पवनदीप उत्तराखंड में मंच पर परफॉर्मेंस देते देखे गए, फिर खबरें आने लगी कि अनिता भी उत्तराखंड चंपावत पहुंच चुकी। उनका भी पवन के बिना मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था और वो दौड़ी दौड़ी पवन के पास उनके घर पहुंच चुकी हैं। वहां दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। दोनों सुपरस्टार सिंगर 2 के कंटेस्टेंट के साथ भी खूब वक्त बिता रहे हैं, एक दूसरे की टीम के बच्चों की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ भी वक्त बिताते हैं। फिर से इनकी जो वीडियो सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए। वीडियो में देख सकते हैं कि पवन पियानो बजा रहे हैं और अनिता उनके बिल्कुल करीब होकर बैठी हैं। पवन पियानो बजा रहे हैं और अनिता गा रही हैं। पवन चेयर पर बैठे हैं और अनिता उनके पैरों के पास जमीन में बैठी हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर बैठे हैं। अनिता की नजरें पवन के हाथों को बड़े ही गौर से देख रही हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। इनकी इस वीडियो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। आप इस जोड़ी से कितना खुश हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में पवनदीप राजन ने इश्क बढ़ता गया गाने में अपनी आवाज दी थी। इश्क बढ़ता गया गाना प्रीत और हिवा नवाब पर फिल्माया गया था और आवाज पवनदीप राजन की ली गई थी। पवनदीप राजन की आवाज इतनी ज्यादा पसंद की गई कि गाना कुछ ही दिन में 3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। गाने के पीछे की वजह पवनदीप की खूबियां भी हैं जिसे प्रीत कमानी ने बताई हैं। प्रीत ने आज पवनदीप को लेकर बड़ा खुलासा किया। प्रीत ने बताया कि जब मैंने इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप को शायद गाना गाते देखा तो वो गाना मेरे दिल को छू गया था और पवनदीप का मैं उस दिन से फैन हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं पवनदीप राजन के साथ काम करूंगा और उन्हें अपने लिए गाने का ऑफर दूंगा। प्रीत के कहने पर पवनदीप ने उनके इस गाने में आवाज दी। पवनदीप ने बखूबी से गाना गाया, उन्हें खूब पसंद किया गया। मैं आपको बता दें पवनदीप राजन अनिता के साथ बहुत खुश रहते हैं और बहुत जल्द वो अनिता के साथ भी गाना रिकॉर्ड करवाने वाले हैं। हाल ही में अनिता ने अपनी एक कंटेस्टेंट की ऐसी हालत बताई थी जिससे वो गुजर चुकी थी। जी हाँ, कंटेस्टेंट मंच पर आते ही कांपने लगती थी, हालत इतनी खराब होने लगती थी कि हाथ से माइक भी गिरने लगता था। बिल्कुल सही सलामत कंटेस्टेंट की ऐसी हालत देखकर अनिता समझ जाती थी कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी प्रॉब्लम से अनिता भी कभी को गुजर चुकी थी। कभी को अनिता को भी मंच पर आते ही घबराहट होने लगती थी, वो भी घबराहट के मारे अपने गाने को कंप्लीट नहीं कर पाती थी। एक तरह से जब किसी इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन होता चला जाता है तो उसे ऐसी ही घबराहट होती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बीमारी भी नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार इन चीजों का सामना करते हैं तो इस प्रॉब्लम से भी जीत जाते हैं और एक दिन आपके सामने हजारों लाखों लोग क्यों ना आ जाएं और आप बेफिक्र होकर अपनी परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं। अनिता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अनिता ने भी अपनी इस परेशानी का काफी टाइम तक सामना किया। आम लोगों की तरह जिंदगी जीने वाली अनिता कांची लाल ने घर में ही अपनी माँ से गाना गाना सीखा था। उन्हें नहीं अंदाजा था कि वो एक दिन अपनी माँ से सीखे हुए गानों को बाहर हजारों लाखों लोगों के सामने गाएंगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे आसपास के लोगों के सामने गाने गाने लगी और फिर वो छोटे मोटे शो भी करने लगी, लेकिन उन्हें ज्यादा लोगों के सामने गाना गाने में, परफॉर्मेंस देने में या इंटरव्यू देने में बहुत घबराहट होती थी। वो बुरी तरह कांपती थी, लेकिन जब से वो इंडियन आइडल के मंच पर पहुंची तब से उनकी ये परेशानी खत्म हो गई है। अनिता ने भी जब सुपरस्टार सिंगर 2 की एक कंटेस्टेंट की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने उसकी मदद की, उसे हिम्मत दी। उस बच्ची के साथ खड़ी होकर अनिता भी मंच पर गाना गाने लगी जिससे उस बच्ची को हिम्मत मिलने लगी और आज वो बच्ची अनिता कांची लाल की तरह ही बिल्कुल गाना गाती है। हाल ही में अनिता अपने घर की तरफ शो करने पहुंची थी, उनके साथ पवनदीप भी गए थे और वो जब कोलकाता शो के लिए गई थी तो वो अपने पेरेंट्स से न केवल मिली थी बल्कि मंच पर अनिता की माँ भी अनिता के साथ गाना गाती नजर आई थी। अनिता की माँ ने मंच पर अपनी बेटी के साथ बराबर से सुर लगाए थे। बेटी का साथ देते हुए अनिता की माँ ने मंच पर धमाल मचा दिया था कि अब पवनदीप भी उत्तराखंड गए और वो भी वहाँ अपनी फैमिली लेकर मंच पर उतरे। जी हाँ, पवनदीप अपनी बहन ज्योति दीप
के साथ मंच पर गाना गाते नजर आए, वो भी पहाड़ी गाना। ज्योतिदीप और पवनदीप ने मंच पर पहाड़ी गानों से आग लगा दी। मतलब साफ है कि दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलने लगी है। इन्हें एक दूसरे की फैमिली के साथ देखकर फिर से इनकी शादी की बात छिड़ने लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि फैमिली एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रही है। क्या पवन अरुण की जोड़ी को मिलाने की बात हो रही है? क्या कुछ नई खबर मिलने वाली है? क्या पवन अरुण नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भी पवन अरुण एक दूसरे के साथ होते हैं, इनकी फैमिली होती है तो इनकी शादी की बात होने लगती है। लेकिन इनका साफ कहना है कि पहले ये फ्यूचर पर ध्यान देंगे और फ्यूचर की वजह से इन्हें एक साथ रहना ही होगा, इसलिए इन बातों को अभी नजरअंदाज करें। वहीं आपको बता दें, ज्योतिदीप अपने भाई के साथ मंच पर गाना गाकर बहुत खुश हुई। ज्योतिदीप को पवनदीप गाना सिखाते हैं। उन्हें वो बता चुके हैं कि पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करें। पवनदीप अरुणिता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शायद ऊपर वाले ने इन्हें बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा, तभी हर कोई इनके प्यार का कायल हो जाता है। जब भी इन्हें एक साथ देखा जाता है तो एक नई कहानी बनती है। दोनों की दोस्ती वाकई कमाल की है। दुनिया एक तरफ और ये दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते हैं। पवन अरुणिता को अक्सर एक साथ ही देखा जाता है और जब इनमें से किसी एक को देखा जाता है तो कुछ फीका फीका सा लगता है, किसी एक की कमी खलती है। और जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो माहौल ही बन जाता है। पवनदीप अरुणिता का कहना भी है कि आगे भी ये दोनों एक साथ रहेंगे, इनकी दोस्ती ऐसे ही रहेगी क्योंकि इनकी एक दूसरे से अच्छी पटती है। इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखकर कई सवाल उठ चुके हैं और फिर से पवन अरुण की एक वीडियो ने नया सवाल तैयार कर दिया है। दरअसल हुआ यह कि पवन अरुणिता इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर खूब मेहनत कर रहे हैं। हर कंटेस्टेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवाने के लिए दोनों रात रात भर जाग रहे हैं। खास बात यही है कि जो पवन के कंटेस्टेंट हैं वो ज्यादातर अरुणिता के साथ वक्त बिता रहे हैं और अरुणिता के कंटेस्टेंट पवन के साथ रहते हैं। दोनों में इतनी बॉन्डिंग है कि इनके कंटेस्टेंट भी अच्छी तरह से समझते हैं कि दोनों में से किसी के पास भी जाओ, किसी से भी मदद ले लो। वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप की टीम के बच्चे भी अरुणिता के पास बैठे दिख रहे हैं और अरुणिता सबके बीच में घिरी दिख रही है, सबकी मदद कर रही है, सबको सिखा रही है। तभी पवनदीप उन्हें कुछ इशारा कर रहे हैं। यह हो सकता है कि इतने बच्चों के बीच बच्ची बनी बैठी अरुणिता को छेड़ रहे हो पवनदीप। अरुणिता भी उनकी तरफ देखकर हंसती जा रही है, मुस्कुराते हुए नजरें झुका रही हैं।